देश में जिस तरह अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, रोजगार छिन रहे हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे इस सरकार में, उन्होंने स्वयं कह दिया, स्वयं उन्होंने बोल दिया है कि जो है कि आईसीयू में पहुंच गई है, सबसे बुरी हालत में अर्थव्यवस्था पहुंच गई है। और जिस तरह से जो है लोग परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, दुकानदार परेशान, हर व्यक्ति परेशान है, इन सब के लिए जो इस रैली का आयोजन किया गया है, देश में अशांति फैली हुई है और इसलिए इस रैली का आयोजन किया गया, इसलिए इस भारत बचाओ रैली का आयोजन सोनिया जी ने किया। नहीं, ये बड़ी रैली इसलिए कर रहे हैं, जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं इसको जनता के सामने रखने के लिए इतनी बड़ी रैली हो रही है। अब कम से कम उनको समझ में आएगा कि देश के लोग क्या चाहते हैं, कैसा चल रहा है, और मोदी जी और शाह जी जो इस देश को तोड़ने का, इस देश के विभाजन करने का जो कोशिश कर रहे हैं, और लोगों में समाज में जो झगड़ा लगा रहे हैं, इसके खिलाफ ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है और ये आंदोलन फिर जारी रहेगा। उनको तो पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाना था, जब उन्होंने रेप कैपिटल कहा था दिल्ली को, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप क्यों थे? जब हैदराबाद में जब घटना घटी तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मृति ईरानी जी क्यों चुप थी? जब उत्तर प्रदेश में जहाँ लगातार बलात्कार हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ थे? नहीं तो इसको कभी भी कोई पॉलिटिसाइज नहीं कर सकता, लेकिन अगर महिलाओं को असुरक्षित रखा जा रहा है, उन पर बलात्कार हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार तो बलात्कार आरोपियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। भाई महिलाओं के साथ जो प्रताड़पण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक एक सरकार की नींद कैसे खुलेगी?